हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीत रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे आलू और ब्रेड का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके और आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं ये ब्रेड के पीसेस। मैंने इनके कोने जो होते हैं वो कट कर लिए हैं। ये देखिए, मैं आपको अभी एक कट करके दिखाती हूँ। तो मैंने ये जो सीजर है मैंने किचन के लिए ही रखी हुई है, तो आप भी अगर कोई सीजर यूज करें तो वो साफ यूज करें या फिर उसको धोकर यूज करें। इस तरीके से मैं इसके कोने कट कर लूंगी या आप चाकू से भी कट कर सकते हो। तो ये देखिए, मेरे सारे ब्रेड पीसेस के मैंने इसी तरीके से कोने कट कर लिए हैं। तो ऐसे मैंने पोटैटो लिए हैं जिसको मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। मैंने 5 से 6 पोटैटो लिए हैं। तो मैंने ब्रेड में आलूओं को स्टफ करना है, उसके लिए मैं पहले आलूओं का मैटर रेडी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने आलूओं में डालूंगी कुछ स्वीट कॉर्न थोड़े से। अगर आप डालना चाहते हो तो ठीक है, नहीं डालना चाहते तो अभी भी ठीक है। आप ऐसे भी इसको मसालों से भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने आलू में थोड़े से स्वीट कॉर्न डाले हैं क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, ये मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो, ये भी मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैं लगभग 2 छोटे चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1 पिंच में चाट मसाला ऐड कर रही हूँ इसको और चटपटा बनाने के लिए। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हो। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने अपने पोटैटोस को अच्छे से मैश कर लिया है और मिक्स भी कर लिया है। ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं इसके अंदर। अब मैं इसको अपने ब्रेड में स्टफ करूंगी। तो सबसे पहले मैंने एक ये बाउल लिया है जिसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। आप उतना बड़ा बाउल लीजिए जितने में आपकी ब्रेड डिप हो सके इजिली। ये देखिए, मेरी जो ब्रेड है इसमें इजिली जा रही है। तो अब मैं इसमें ऐसे थोड़ा सा पानी ले लूंगी, ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है। और जब हम ब्रेड इसमें डिप करेंगे तो आप ध्यान में रखिए, बिल्कुल एक साइड ही हमें डिप करनी है। एक साइड जब हम इसको दबाएंगे तो दूसरी साइड में पानी आ ही जाएगा। तो ये देखिए, इसको मैं पानी में कैसे डिप करूंगी, ऐसे ही हमने इसको डिप करना है। और जब हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे अच्छे से ताकि इसका पानी जो है वो दूसरी साइड में भी चला जाए और ब्रेड हमारी पूरी तरह से गीली हो जाए। तो ये हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से गीली हो चुकी है। अब हम अपने जो आलू है वो इसमें स्टफ करेंगे इस तरीके से। लगभग 1 चम्मच ही इसमें आएगा आलूओं का, तो आप ज्यादा आलू मत डालें। आप इसको राउंड शेप भी दे सकते हो, लेकिन मैं इसको जो दे रही हूँ वो स्क्वायर शेप दे रही हूँ, रेक्टेंगल की शेप दूंगी। इस तरीके से आप इसको ऐसे अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि जो हमारे आलू हैं वो स्टफ हो जाएं पूरी तरीके से। तो ये देखिए, जो हमारी ब्रेड ने अच्छे से पोटैटो को रैप कर लिया है। अब हमने इसको अच्छे से प्रेस करके ऐसे, तो ऐसे मैं एक ट्रे में इसको रख लूंगी रेडी करके। इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड को रेडी कर लेना है। अभी मैं आपको एक और दिखा रही हूँ। एक ही तरफ से हमने इसको डिप करना है और एक तरफ प्रेस जब हम करेंगे तो दूसरी तरफ पानी आ ही जाएगा। तो ये देखिए, हमारी जो ब्रेड है वो दोनों तरफ से गीली हो चुकी है। अब हम इसमें अपने पोटैटो डालेंगे। ऐसे हमने इसमें अपने पोटैटो डालने हैं। पोटैटो में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से मैंने अपने सारे ब्रेड को अच्छे से रैप कर लेना है दोनों हाथों से प्रेस करते हुए।
तो ये देखिए मेरी दूसरी ब्रेड भी ऐसे ही रेडी हो गई है। तो ऐसे मैंने अपने सारे ब्रेड को रेडी करके रख लिया है। अब मैं इसको अपने ऑयल में फ्राई करूंगी। तो ऐसे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है जिसको मैंने गरम कर लिया है कढ़ाई में, और आप उतना ही इसको लीजिए जितने में आपके ब्रेड डिप हो सके अच्छे से। तो चलिए अब हम अपने ब्रेड को इसमें डालेंगे। मैंने इसको गरम कर लिया है पहले से और इसको मीडियम आंच पे रखे हैं आप ऑयल को, ताकि ये जो हमारे ब्रेड है वो जले नहीं। तो ऐसे हमने अपने सारे ब्रेड रैप्स इसमें डाल देने हैं ऑयल में। लगभग 7 से 8 मिनट लेते हैं ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के लिए। तो हम बीच बीच में इसको टॉस करते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो ये ब्रेड जो गीली होने की वजह से जलती नहीं है जल्दी, इसलिए इसको टाइम लगता है, 7 से 8 मिनट लगते हैं। अब हम देखिए इसको बीच में से टॉस करते रहेंगे, बीच बीच में टॉस यानी कि इसकी साइड चेंज करते रहें आप 2-2 मिनट के बाद, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएं। तो लगभग 5 से 7 मिनट तक ये अच्छे से पकने शुरू हो जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये जो हमारे ब्रेड रैप्स है गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब जो नहीं पके हैं एक तरफ से उसको पका लेंगे, और जो अच्छे से पक चुके हैं उनको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं ऐसे ही अपने सारे रैप्स एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लूँगी, ताकि जो इसका ऑयल है वो टिश्यू पेपर के ऊपर निकल जाए अच्छे से। तो ऐसे ही ये हमारे ब्रेड रैप्स बनके रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। इसको गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूंगी। ये जो स्नैक्स है बहुत टेस्टी बनते हैं, आप भी चाय के साथ भी इसको बना सकते हो, सुबह के नाश्ते के साथ भी अपने घर वालों को बच्चों को बना के खिलाइए। तो ये देखिए हमारे ब्रेड रैप्स अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीत रेसिपीज़। थैंक यू।